अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। माय सेल्फ जुबैर एंड यू आर वाचिंग जी टेक। तो फ्रेंड्स, अगेन अनबॉक्सिंग का सिलसिला जारी शुरू होता है, सॉरी जारी कह गया हूँ, शुरू होता है। और आज हम एक फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और जो फ़ोन आज हमारे पास मौजूद है वो टेक्नो कंपनी का है और कैमन 19 सीरीज़ का है। और जो मॉडल मेरे पास है टेक्नो कैमन 19 नियो है। तो फ्रेंड्स, आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं हमें फ़ोन किस तरह का देखने को मिलता है। और अगर इसकी प्राइस टैग की बात करें, जो इनिशियल इस टाइम मार्केट में चल रही है, वो फ्रेंड एक उस टाइम की प्राइस है जबकि हमें यही फ़ोन तकरीबन 35-37 हज़ार रुपये के प्राइस टैग में देखने को मिलता था। लेकिन अभी ये ऑफलाइन मार्केट में हमें 52,000 का देखने को मिल रहा है। लेकिन चूंकि अभी इंडस्ट्रीज वगैरह बंद हो गई हैं, तो फिर भी मैं समझता हूँ जिसके स्पेक्स हैं वो इस प्राइस को, मतलब मैं कहता हूँ कि जस्टिफाई कर रहे हैं। और जो वेरियंट मेरे पास मौजूद है वो 6 GB और 128 GB और 5 GB इसकी वर्चुअल रैम की एक्सटेंशन भी दी गई है। तो बाकी हम इसके स्पेक्स वगैरह डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, जो इसके अंदर हमारे पास कलर मौजूद है वो आइस मिरर कलर का है। तो ज्यादा बोर नहीं करते, इसके अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और देखते हैं हमें किस तरह के स्पेक्स देखने को मिलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, बॉक्स की शेप कुछ इस तरीके के सामने हमारे आती है। ऊपर बड़ी सी ब्रांडिंग की गई है कैमन 19 नियो की, NFC भी लिखा हुआ है, राइट साइड भी ऐसी है और नीचे वाली साइड पे इसके MEI वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। कलर मैंने आपको डिफाइन कर दिया था और बॉक्स मैंने ओपन कर लिया है। तो बॉक्स कुछ इस शेप में हमारे ओपन होता है। एक्सेसरीज की तरफ हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्ट सी अनबॉक्सिंग वीडियो करेंगे इसकी। और यहाँ पे बॉक्स हम ओपन कर लेते हैं और फ्रंट साइड पे फ्रेंड्स हमारी डिवाइस देखने को मिल रही है। और डिवाइस को हम साइड पे रख देते हैं और फ्रेंड्स वारंटी कार्ड, चार्जर और ये एक्सेसरीज हमें अमूमन देखने को मिलती हैं। इसलिए मैंने कहा ज़रा हम उसकी डिस्कशन में जाएंगे, हम फ़ोन को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इसकी कुछ हाईलाइट्स लिखी हुई हैं। 48 MP का बैक कैमरा है, ब्राइट नाइट पोर्ट्रेट है, 32 MP का सॉफ्ट लाइट सेल्फी कैमरा है, 6.8 इंच का डॉट डिस्प्ले है फुल HD और 18 वाट का फास्ट चार्ज है। जो कि मैंने कहा था बॉक्स की तरफ नहीं जाएंगे, जो हमें देखने को मिलता है वही है। 5000 की mAh बैटरी है और हीलियो G85 का प्रोसेसर लगाया गया है और 6 GB 128 GB की हमें रखी गई है। तो हम इसको रैपर में से निकाल लेते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे फ़ोन कैसा देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, तो फ़ोन ये हमारे सामने आ गया है फ्रेंड्स। और बॉक्सी डिज़ाइन रखा गया है और पंच होल्ड कैमरा है इसका। लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे दी गई है और बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, LED फ्लैश है। और इसका डिज़ाइन फ्रेंड्स बहुत ही ज़रा मज़े का लग रहा है, शाइनी शाइनी लुक्स प्रोवाइड कर रहा है। खैर, बैक प्लास्टिक ही बिल्ट है, आई थिंक सो एलुमिनियम प्लास्टिक फ्रेम ही रखा गया है। और राइट साइड पे इसका पावर सेंसर है, सॉरी फिंगरप्रिंट सेंसर है और वॉल्यूम रॉकर की है। ऊपर वाला साइड प्लान है, नीचे टाइप सी USB कनेक्टिविटी है, स्पीकर है, माइक्रोफोन है और 3.5 mm जैक रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फ़ोन टर्न ऑन कर लेता हूँ और देखते हैं हमें इसके सारी सेटिंग वगैरह करके। तो फ्रेंड्स बाद में मिलते हैं जी। तो फ्रेंड्स फ़ोन यहाँ पे रेडी हो गया है हमारे पास। तो यहाँ पे फ़ोन फ्रेंड्स हमारे पास फुली सेटअप मैंने कर लिया है, सिम शिम भी इसमें डाल ली है। तो ओवरऑल हम डिस्प्ले की बात करें तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले रखा गया है। हाल तो इसमें कोई रिफ्रेश रेट हमें फ्रेंड्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी मतलब अच्छा डिस्प्ले है। लाइक अगर हम इसकी स्क्रॉलिंग वगैरह करें तो हमें आइडिया हो जाएगा। तो रिफ्रेश रेट में यहाँ पे किसी भी तरीके का देखने को नहीं मिल रहा। तो अगर हम इसकी पीक ब्राइटनेस की बात करें तो मतलब ये इसकी मैक्स ब्राइटनेस है। और डे टू डे यूजेज में फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि बाहर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑल दो बाकी बात करें, फिंगरप्रिंट्स का सेंसर भी इसका तेज़ है। बाकी कॉलिंग वगैरह अगेन चेक करेंगे। और बाकी अगर फ्रेंड्स बात करें हम इसके जो मेजर स्पेक्स है सेटिंग्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स सारी डिवाइस इंफॉर्मेशन दी गई है। CPU हीलियो G85 का रखा हुआ है, एंड्रॉयड 12 को सपोर्ट करता है, फ्रंट 32 MP, मतलब वही सारी वाली इसकी जो भी डिटेल हैं दी गई हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह कि 720 डिस्प्ले नहीं है, 720p 1080p डिस्प्ले फ्रेंड्स यहाँ पे रखा गया है। तो हम इसके कैमरा क्वालिटी को भी थोड़ा सा फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं, हमें कैमरा कैसा दिया गया है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सी एक पिक्चर खींचेंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट तो फ्रेंड्स बड़ा क्लियर यहाँ पे दे रहा है बैक कैमरे का। और अगर बैक कैमरे की हम फंक्शनैलिटी की बात करें, वीडियो क्वालिटी कहाँ तक शूट करता है, तो फ्रेंड्स वो मैक्स 10K तक फ्रेंड्स ये वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। तो अब ये फ़िलहाल तो नाइट है, इनडोर है, तो बाकी हम दिन का रिजल्ट बाद में देखेंगे। तो अगर इसमें हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा में फ्रंट बड़ी क्रिस्प सेल्फी ली है, मतलब डिटेल वगैरह क्लियर है। ऑल दो गैन कहूँगा कि इनडोर रिजल्ट है, बाहर के रिजल्ट में अब देखते हैं हमें ये किस तरह का परफॉर्मेंस देता है। तो बाकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, स्पीकर सिंगल स्किम रखा गया है। तो
ये थी फ्रेंड्स इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर इस फोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो मैं कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन नहीं देखने को मिल रही, ऑल्दो नॉइस कैंसिलेशन का माइक्रोफोन भी नहीं है। अब कैमरा क्वालिटी बड़ी डिसेंट है, 2K तक दे रही है, लेकिन इस प्राइस टैग में हमें 4K बैक कैमरा में देखने को मिलता है। सेल्फीज अच्छी कैप्चर कर रहा है, लेकिन अब डे टू डे यूजिंग में हम इसको देखेंगे अब ये कैसा परफॉर्मेंस देता है। ओवरऑल डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा इसका ब्राइट है, 1080p रखा गया है। लेकिन अगेन फ्रेंड मैं एक चीज को बात करूंगा, जो हमें 52,000 में पहले एक डिवाइस देखने को मिलती थी अभी वो देखने को नहीं मिल रही, लेकिन स्टिल दिस डिवाइस गॉट गुड स्पेक्स। तो इस टाइम मार्केट के जो हालात चल रहे हैं फिर भी मैं कहूंगा 6GB 128GB में हीलियो G85 के प्रोसेसर में एक अच्छी डिवाइस है ये। तो अगर आप एक अच्छी डिवाइस दे रहे हैं, बाकी इसका पबजी वगैरह भी टेस्ट करेंगे तो देखेंगे गेमिंग की तरफ से कैसा है, क्योंकि नया कोई अगर फोन देख रहा हो तो इस टाइम ना ये कैसा उसके लिए होगा। और तो मुझे लगता है कि HP तक ही जाता होगा, 90 FPS या 60 FPS ये मुश्किल ही देता हो। तो 18 वाट का फास्ट चार्जर भी रखा गया है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की अनबॉक्सिंग वीडियो। तो इसी तरह नई नई वीडियोस लेकर आपके खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। दिस इज अवैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।